नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूँ आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आपके सामने आज जो डेली स्टडी जीके का जो सीरीज मैं चला रहा हूँ उसी में से आज के कड़ी को देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, भारत में पहली बार जाति आधारित जनगणना कब हुई थी? देखिए, अगर हम बात करें भारत में जनगणना की तो 72 में जनगणना स्टार्ट हुई थी, लेकिन एक विधिवत तरीके से जो 81 है, 1881 है, उस समय से लगातार 10 वर्ष के बाद जो जनगणना होती है, यानी कि अगर प्रथम जनगणना की बात करें तो 1872, और अगर विधिवत पूछे तो 1881 से स्टार्ट हो गई थी विधिवत, लेकिन प्रथम 72 में। लेकिन अगर जाति के आधार पे अगर जनगणना की बात की जाए कि फलाना जाति का कितना संख्या है, फलाना जाति का कितना संख्या है, तो ये हुई थी 1931 में। याद कैसे करेंगे? देखिए, 1932 में मैकडोनाल्ड जो कि प्रधानमंत्री थे वहाँ के इंग्लैंड के, वो एक सांप्रदायिक अवार्ड शुरू किए थे जिसके अगेंस्ट में ये महात्मा गांधी अनशन वगैरह भी किए थे, हड़ताल वगैरह भी किए थे। ठीक है, तो यानी कि 1932 में जब ये सांप्रदायिक संबंधित कुछ चीज़ें आने लगी तो जाति तो उसी से रिलेटेड कुछ ना कुछ होती है, तो उससे हम याद करेंगे कि 1932 के आसपास की जनगणना जब भी होती है वो जनगणना 10 साल के बाद होती है। जैसे 81 में हुई, उसके बाद 91 में हुई, उसके बाद 1 में हुई, फिर 11 में हुई, यानी कि लास्ट में एक ही रहता है। ठीक है, जब भी जनगणना होगी इस बार कब होगी? 21 में होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। संविधान में अवशिष्ट शक्तियों कहाँ से लिया गया? जो हमारे रेसिडुअल पावर की बात करता है संविधान, कि अगर कोई भी विषय किसी भी सूची में नहीं होता है तो वो अवशिष्ट मतलब की शक्तियाँ हो जाती है। ठीक है, अवशिष्ट आप कह सकते हैं कि शक्तियाँ में चली जाती है, तो उस पे जो कानून है वो संसद बनाती है। अब ये पूछा जा रहा है कि जो अवशिष्ट शक्तियाँ हैं यानी कि रेसिड्यूअल पावर है वो कहाँ से ली गई है? कनाडा से। ठीक है, अब देखिए कि अवशिष्ट मतलब कि जिसको कोई नहीं लेता है यानी कि बेकार है, तो क्या कह रहा है कि कनाडा यानी कि ना दे, कनाडा यानी कि नादा, ना दे। इस तरह से अगर अवशिष्ट कोई भी चीज़ रहता है उसको कहता ना कि मुझे नहीं दे, मुझे मत दे, मतलब कि जो गंदा होता है या अवशिष्ट होता है, कूड़ा कचड़ा होता है, उसके बारे में सब कहते हैं ये चीज़ मुझे मत दे। ठीक है, कोई अच्छा चीज़ होगा तो मुझे दे देना, यानी कि अच्छा चीज़ होगा तभी देना, नहीं तो मत दे, यानी कि ना दे। ठीक है, कनाडा यानी कि अवशिष्ट। ठीक है, इस तरह से राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? देखिए, राष्ट्रीय एकता लास्ट में एकता है यानी कि एक है, तो यानी कि 31 में भी एक आ रहा है लास्ट में। और देखिए, अगर एकता रहेगी तो कोई आपको मार के तोड़ेगा नहीं, नहीं तो तोड़ देगा मार के। ठीक है, यानी कि अक्टूबर तोड़ देगा, अक्टूबर। ठीक है, इस तरह से याद रखेंगे कि अगर एकता नहीं होगा तो आपको तोड़ देगा। ठीक है, इस तरह से याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? सुरक्षा दिवस यानी कि अगर कोई अटैक कर दिया तो आप सुरक्षा करेंगे, सुरक्षा यानी कि चारों दिशाओं में आप मार्च करेंगे, मार्च मतलब कि चलना होता है। ठीक है, अगर आपके देश पे कोई आक्रमण कर देगा तो चारों तरफ से आक्रमण करेगा तो चारों तरफ आप मार्च करेंगे। ठीक है, मार्च करेंगे यानी कि चलेंगे अपनी सुरक्षा के लिए, तो राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 4 मार्च को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कोलंबो किस नदी के किनारे बसा है? तो कोलंबो जो है वो राजधानी हुआ करती थी, हालांकि अब राजधानी चेंज कर दी गई है श्रीलंका की। आप नीचे कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे। ठीक है, तो ये कोलंबो और केलानी। ठीक है, कोलम कल यहाँ पे KL से स्टार्ट होता है और यहाँ पे भी KL से कोलानी केलानी स्टार्ट होता है, तो इस तरह से याद रखेंगे। बिछुआ सतरिया जो लोक नृत्य है वो कहाँ की है? तो बिछुआ जो है वो आपके असम की है, सतरिया भी आपके असम की है। देखिएगा, बिछुआ है जो ज़्यादा जंगली एरिया है वहाँ पे रहती है, और अगर आपको काटेगी तो सताएगी ही। ठीक है, बिच्छू सताती है, तो यानी कि ये जो असम वाला क्षेत्र है वो तो पूरा जंगली ही क्षेत्र है आप कह सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से याद रखेंगे, बिच्छू सताती है जंगल में यानी कि असम में। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। छऊ जो लोक नृत्य है वो कहाँ की है? देखिए, छऊ जो लोक नृत्य है आपके बिहार, जो आपके उड़ीसा और बंगाल, ये तीनों जगह ये नृत्य की जाती है, लेकिन अगर मेन रूप से बात की जाए तो ये जो छऊ जो लोक नृत्य है उड़ीसा की है। मैंने आपको याद भी करवाया था कि जो उड़ना चाहते हैं वो क्या कहते हैं, कि मुझे छोड़ छोड़ मैं उड़ना चाहता हूँ। ठीक है, मुझे पकड़ मत, मैं उड़ना चाहता हूँ। ठीक है, अगर कोई हवा में उड़ना चाहता है तो उसको पकड़ के रखते हैं कि कहीं गिर ना जाएगा ऊपर जाने के बाद, लेकिन ये कह रहा छोड़ छोड़ मतलब कि छऊ यानी छोड़ नहीं, हवा में उड़ना चाहते हैं। ठीक है, इस तरह से जट जाटिन कहाँ का नृत्य है? तो ये जो जट जाटिन है वो बिहार और झारखंड के नृत्य है, लेकिन मुख्य रूप से पूछा जाए तो ये बिहार की है। ठीक है,
बिहार से ही सटा आपके, देखिए नृत्य ऐसा तो नहीं है कि एक राज्य में मतलब कि वो नृत्य किया जाता है तो दूसरे राज्य में नहीं किया जा सकता। हाँ वो अलग बात है कि प्रभाव थोड़ा कम हो जाता है बाउंड्री के कारण, ठीक है थोड़ा प्रभाव कम हो जाता है, लेकिन मुख्यतः ये बिहार का लोक नृत्य है जट जाटिन। अगर अगर आप तुक्का मारेंगे तो जट जाट जहाँ पे लोग रहते हैं उससे रिलेट करेंगे, लेकिन वैसा कुछ यहाँ पे सेंस नहीं दे रहा है, यानी कि जाट से संबंधित ऐसा कोई नृत्य नहीं है। ये जट जाटिन नाम से ही नाम अलग है और वो जो जाट वाला जो जाति है वो अलग है, ठीक है। तो जो जट जाटिन लोक नृत्य है वो बिहार की है, ठीक है। इसको इस तरह से याद रखेंगे जट जाटिन, ठीक है। झट से मतलब कि झारखंड, इस तरह झारखंड के पास में ही है बिहार, तो इस तरह से याद रखेंगे जो जट जाटिन जो लोक नृत्य है वो कहाँ की है, बिहार की। तो आशा करते हैं जितने भी आज थोड़ा सा कम स्टडी जी के थे लेकिन फिर भी आपको याद हो गए होंगे। तो इसी तरह से बने रहिएगा चैनल के साथ, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।